सीएए के सवाल पर गोविंदा ने दिया जवाब, बोले तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए को लेकर अभी भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बॉलीवुड सितारों में से कई नाम ऐसे रहे हैं जो सीएए के विरोध में या समर्थन में बात कर चुके हैं। हालांकि कई सितारे ऐसे भी हैं जो अपना पक्ष रखने से बचते रहे हैं। अभिनेता गोविंदा मध्य प्रदेश पहुँचे थे। गोविंदा से जब सीएए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, अब तो मैं राजनीति छोड़ चुका हूं। अगर मैंने कुछ भी बोला तो ऐसा ही होगा कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। गोविंदा लंबे समय से फिल्मों से गायब हैं। हाल ही में आयोजित हुए 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गोविंदा को एक्सेलेंस इन सिनेमा के अवार्ड से नवाजा गया था। गोविंदा आखिरी बार फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, इसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही थी। सीएए पर सितारों की राय की बात करें तो पिछले दिनों रजनीकांत ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे देश के किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। अगर यह मुसलमानों को प्रभावित करता है तो मैं उनके लिए खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। बाहरी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए एनपीआर जरूरी है। एनआरसी के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभिनेत्री पूजा भट्ट ने कहा कि नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो देश में उठ रही आवाजों को सुने। देश में रह रही महिलाएं चाहे वो शाहीन बाग में हो या लखनऊ में, हम रुकेंगे नहीं जब तक हम जोर शोर से नहीं सुने जाते। मैं लोगों को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं सीएए और एनआरसी का समर्थन नहीं करती क्योंकि यह मेरे घर को विभाजित करता है।